कांग्रेस की खिचड़ी से उबाल। नमस्कार, मैं पल्लवी शर्मा और आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं आपके सामने हाजिर हूं हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। धर्मशाला में पकी कांग्रेस की खिचड़ी से प्रदेश की सियासत में उबाल आ गया है। अब किसी को उस खिचड़ी में नमक ज्यादा लग रहा है तो किसी को कम। कांग्रेस के एक गुट विशेष द्वारा आयोजित इस खिचड़ी के कई सियासी मतलब निकाले जा रहे हैं। क्या हो रहा है इस वक्त अब कांग्रेस में? आगे क्या कदम उठाएगी पार्टी? नेता क्यों बार बार दौड़ रहे दिल्ली? हम पहाड़ी में इसी पर चर्चा कर रहे हैं अनिल अग्निहोत्री और राजेश शर्मा। हिमाचल की सर्दी में सियासी गर्मी घुल रही है जी, और आज जो चर्चा करेंगे वो भाजपा भी नहीं हम करेंगे, हम कांग्रेस में चर्चा करेंगे, क्योंकि वजह ही कांग्रेस ने दी है चर्चा की। राजेश, कांग्रेस की खिचड़ी में नमक किसका? क्या बात, अब देख लेते हैं जरा किसका नमक है कांग्रेस की खिचड़ी में। राजेश, चुनावी साल है जी, सियासत जैसे हम बता रहे हैं कि उथल पुथल मची है, बात भाजपा की हो चाहे हो कांग्रेस की, ज्यादा आक्रामक होने लगी राजनीति हिमाचल में, क्या कहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, कांग्रेस की खिचड़ी का आपने जिक्र किया कि नहीं उतरी, उससे पहले राजनीति की चर्चा कर लेते हैं। भाजपा और कांग्रेस मिशन 2022 है दोनों ही पार्टियों का। भाजपा मिशन रिपीट के लिए पूरी जद्दोजहद कर रही है, जिसके लिए तमाम उन्होंने कार्यक्रम आयोजित कर रखे हैं। अब तो आपको पता है धार्मिक इस तरह के उत्सवों के या राजनीतिक जो रैलियों पे है वहां भी पाबंदियां नहीं लगी है, हालांकि कम कर दी गई है, इसलिए कर दी गई है कि चुनावी वर्ष है हिमाचल का। इसके अलावा कांग्रेस 2022 में इसी साल कमबैक के लिए पूरी तरह से मौका ढूंढ रही है, अवसर ढूंढ रही है कि सत्ता में वापस आया कैसे जाए। इसीलिए 2022 दोनों ही दलों के लिए बहुत अहम है, कमबैक और मिशन रिपीट की ये लड़ाई है। जी जी, बिल्कुल सही बात है, यही लड़ाई है हिमाचल देखने जा रहा है। राजेश, इसमें हम और भी पहलुओं पे चर्चा करेंगे, इसके लिए कितनी चुनौती होने वाली है दोनों पार्टियों। राजेश, खिचड़ी पे आ जाते हैं जरा, क्या आप आगे देखिए, मकर संक्रांति है तो खिचड़ी की महक अभी से आने लग पड़ी है। भाजपा कांग्रेस ने तो शुरुआत कर दी है धर्मशाला में, मामला क्या है? बिल्कुल, देखिए धर्मशाला में मकर संक्रांति से पहले कांग्रेस की खिचड़ी पकी है, चर्चा इसलिए है। जो खिचड़ी का दिन है वैसे 14 जनवरी मकर संक्रांति पे होता है, लेकिन इस बार धर्मशाला में ये खिचड़ी 9 जनवरी को पकी है। और ये खिचड़ी कहाँ पकी है? खिचड़ी पकी है पूर्व कांग्रेस की सरकार में जो शहरी विकास मंत्री रहे हैं सुधीर शर्मा, उनके घर रक्कड़ धर्मशाला शहर के साथ है, वहां ये खिचड़ी पकी है और वहां खिचड़ी बटी है। और खिचड़ी बटने के बाद प्रदेश में एक तरह से इसके नए समीकरण उभरने लगे। मामला ये कि यहां सुधीर शर्मा ने एक कार्यक्रम रखा था जिसके लिए बाकायदा एक बहुत बड़ा एक आयोजन रखा था खिचड़ी का, लेकिन बीच में कोरोना बंदिशें आ गई, कोरोना प्रोटोकॉल के तहत उस आयोजन को छोटा कर दिया गया, आयोजन उन्होंने एक तरह से समेट दिया गया। कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर एक दिन पहले धर्मशाला पहुंच गए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने धर्मशाला की थी, वो भी उनके घर पहुंच गए। इसके अलावा सांसद मंडी की प्रतिभा सिंह और उनके बेटे विक्रमादित्य सिंह, ये दोनों आए थे लंबागांव, जहां चंद्रेश कुमार के घर ये शोक जताने सांत्वना देने के लिए उनके घर पहुंचे थे। वहां से इन्होंने सीधा रुख कर लिया सुधीर शर्मा के घर रक्कड़ का धर्मशाला शहर में, वहां पहुंचे, वहां ये रुके। उसके बाद इनके सम्मान में सुधीर शर्मा ने एक तरह से जो खिचड़ी का पहले का प्रोग्राम था ये पूरी तरह से फिर इन्हें समर्पित कर दिया। वहां से ये खिचड़ी पकी अग्निहोत्री, जो खिचड़ी बंटी उसमें कांग्रेस के अब उसमें कुछ और नेता भी पहुंचे, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष वहां पहले ही से थे। इसके अलावा वहां पूर्व विधायक भी पहुंचे, पार्टी के जैसे नूरपुर के अजय महाजन, क्योंकि जिला कांग्रेस के अध्यक्ष हैं वो भी वहां पहुंचे, जगजीवन पाल पूर्व विधायक हैं सुला के, या सीपीएस रहे हैं वो भी वहां पहुंचे। तो बाकी लोगों को भी बुलाया गया था, लेकिन कुछ विधायक या पूर्व विधायक जो कांग्रेस के थे वो आ नहीं पाए इसमें। लेकिन ये जो खिचड़ी पकी वहां, इसके अब कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं कि एक गुट विशेष प्रदेश की राजनीति में एक्टिव हो गया है। जी, एक्टिव हो गया है, सबसे बड़े जिला की बात है कांग्रेस की बात है, तो आगे इस पे देखते हैं इंपैक्ट क्या होता है। राजेश, इसका क्या मतलब निकाला है? कांग्रेस की हांडियां अलग अलग चूल्हों पे चल रही हैं। देखिए, एक और भी चीज देखी जा सकती है, कभी कोई दिल्ली दौड़ रहा है, बिल्कुल, कोई यहां बैठक कर रहा है, कोई वहां बैठक कर रहा है, हो क्या रहा है कांग्रेस में? बिल्कुल, देखिए दिल्ली दौड़ रहे हैं, दिल्ली दौड़ का मतलब जोड़ लेते हैं। कांग्रेस के जितने भी बड़े लीडर प्रदेश के हैं वो दिल्ली दौड़ने, उनकी दिल्ली की दौड़ कब से बड़ी है जरा याद कर लीजिए, पृष्ठ उन पन्नों को खंगालते हैं, वो दौड़े हैं दिल्ली में जब से कांग्रेस ने 4-0 से उपचुनाव जीता है। बहुत बड़ी जीत कांग्रेस ने हासिल की थी, जिस तरह की प्रतिष्ठा दोनों पार्टियों ने जिस तरह का मान लिया था ये उपचुनाव, वहां से जब जीत, एक तरफा जीत जब कांग्रेस को मिली, तो कांग्रेस के तमाम लीडर दिल्ली की तरफ दौड़ने लग गए, सीधा सीधा मतलब दिल्ली को अपना कद बताने लग गए। अब अलग अलग हांडियां पक रही है। इससे पहले अगर हम बात कर लेते हैं तो कांग्रेस के चार कद्दावर नेता एक जगह एक मंच पे एक साथ इकट्ठे हो
होंगे उसके भी कई मतलब निकाले गए। इसके अलावा बात कर लेते हैं तो कांग्रेस के ही एक पूर्व जो अध्यक्ष हैं वो 10 या 11 एमएलए को लेकर दिल्ली दरबार पहुंच गए, उनकी अलग एक तरह से हांडी पकने लगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का बयान अगर हम कोट कर देते हैं अग्निहोत्री जी यहाँ, तो उनका कहना है कि कांग्रेस में टिकट के चाहवान भी 15 से 16 हो गए हैं मुख्यमंत्री के पद के, मुख्यमंत्री से ज्यादा है। बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि नफरी लगातार बढ़ती जा रही है और नफरी बढ़ने का कारण ये है कि जो बूस्टर डोज लगी है कांग्रेस को उपचुनाव में जीत की, उसके बाद पार्टी के भीतर की परिस्थितियां भी बदल गई हैं, पार्टी के बाहर की परिस्थितियां भी बदल गई है। दिल्ली दौड़ सीधे तौर पे कांग्रेस के नेता शक्ति दिखाने के लिए, प्रदर्शन करने के लिए दिल्ली दौड़ रहे हैं। आपने सुखू का जिक्र किया, पूर्व अध्यक्ष है कांग्रेस के, प्रदेश कांग्रेस के, बिल्कुल बड़े जिगर वाले नेता, बिल्कुल बिल्कुल, वो बेशक कुछ एमएलए को लेके गए थे लेकिन दिल्ली जब भी नेता दौड़ते हैं ना बिल्कुल कांग्रेस के, बिल्कुल तो अकेले अकेले जाते हैं। रामलाल ठाकुर साहब को देख लीजिए, कुछ और भी नाम है अगर लेने हो यहाँ पे, रामलाल ठाकुर साहब का तो फोटो कुछ दिन हो गए आया नहीं सोनिया जी के साथ, बिल्कुल तो आ जाएगा हमें ऐसा लगता है एक दो दिन में। राजेश, ऐसा लगता है आपको, कहीं ऐसा लगता है कि कांग्रेस उपचुनावों की तरह विधानसभा के चुनावों में भी वीरभद्र सिंह, स्वर्गीय वीरभद्र सिंह, उनकी छवि बनाने की कोशिश करेगी? सर्वमान्य नेता रहे हैं वो कांग्रेस के, और जब वो थे तो कांग्रेस मतलब वीरभद्र सिंह का, क्या लगता है बिल्कुल, ये बिल्कुल। इस बार फिर चलेगा, ये सिक्का चलेगा वीरभद्र सिंह का? देखिए देखिए, शुरुआत यहीं से करते हैं कि अलग अलग काठ की हांडियां चढ़ रही हैं कांग्रेस की सियासी भट्टी पे, पकेंगी या जलेंगी अलग बात है। सीएम की बात से शुरू करते हैं कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, मतलब साफ था उन्होंने कह दिया कि उपचुनाव में अगर पार्टी जीती है, कांग्रेस जीती है, तो परिस्थितियां ये थी कि वीरभद्र के निधन के बाद जिस तरह का माहौल बना था, उनको श्रद्धांजलि देने का जो कारण कांग्रेस ने खेला था वो उस वक्त कर गया, आने वाले दौर में ये काम नहीं करेगा। अब इसको ये भी देख लेते हैं, नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा, ये मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा। मैं उनकी कोर्ट से कोर्ट उनके कोर्ट करके मैं बात शुरू कर रहा हूं। अब आते हैं यहां कि कितनी एक पार्टी या एक दल कितनी बार एक चीज को कैश करेगी। भाजपा, आप भाजपा से शुरुआत कर लेते हैं अग्निहोत्री जी, भाजपा ने बार बार क्या किया, महिला गृहिणी सुविधा योजना से हमने शुरुआत की, चूल्हे बांटे, उसके बाद हमने पेंशन लगवा दी, वो कार्ड अब चल गया है, वो चीजें खत्म है। अब क्योंकि पॉलिटिक्स नहीं है, हर दिन नया है, नए मुद्दों के साथ, नए मसलों के साथ आगे बढ़ना होगा। वीरभद्र सिंह नो डाउट कांग्रेस में बहुत बड़ा चेहरा रहे हैं, लगातार प्रदेश की राजनीति में 50 वर्षों से ज्यादा सक्रिय हो रहे हैं। जे। अब क्योंकि वो नहीं है कांग्रेस के साथ, और कांग्रेस के पास अब उनके बाद भी एक कोई बड़ा चेहरा नहीं है, तो अब ये तिलिस्म मुझे लग रहा है चलने वाला नहीं है। लेकिन कांग्रेस को लाभ निश्चित रूप से उनके ना होने का, तो एक तरह से अगर कहें तो पार्टी के साथ तो उनकी, उन्होंने जो रास्ता दिखाया वो तो है, लेकिन बार बार अगर ये कहेंगे कि संवेदना की हांडी बार बार तो चढ़ेगी नहीं, नया कुछ करना होगा। मोदी कृपा ही केवलम जी, अगर आप भाजपा की बात करें, बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सिक्का तो हर बार चलाने की कोशिश होती है। बिल्कुल, अब देखिए सरकार का जो नए साल का कैलेंडर आया है, मुख्यमंत्री साहब के साथ मोदी जी हैं, बहुत बढ़िया हंसते मुस्कुराते चमकते हुए चेहरे दिख रहे हैं। अब देखिए कांग्रेस में क्या होता है, राजेश ने आगे वीरभद्र सिंह का चेहरा तो प्रोस दिया। जी 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 राजेश, मैं आगे 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 मैं चलना चाहता हूँ। हाँ ठीक है, आपने कहा उन्होंने भी परोसा है, तो मैं वही ले जाना चाह रहा हूँ कि अगर मोदी साहब का नाम चल सकता है तो क्या वीरभद्र सिंह का नहीं चलेगा? और देखिए अगर आपने धर्मशाला की खिचड़ी की बात की है ना, तो अगर हम देखें तो वीरभद्र सिंह के जो नजदीकी लोग हैं वही इकट्ठे हुए हैं, बिल्कुल है ना, या कुछ लोग नहीं भी आए होंगे तो शायद ये भी एक वजह रही होगी। राजेश, ऐसा नहीं लगता है आपको कि एक सर्वमान्य चेहरा जो कांग्रेस के पास इस समय नहीं है, वैसे बड़े लीडर हैं कांग्रेस में लेकिन चेहरा तो डिसाइड नहीं हुआ है ना, उसका कोई नुकसान होगा कांग्रेस को? अच्छा, हाईकमान को दिक्कत क्या आ रही है, चेहरा डिसाइड कर लेना, क्या प्रॉब्लम क्या है? अब कांग्रेस हाईकमान की मान लेते हैं अग्निहोत्री जी, उन्होंने दो टू कह दिया कि हम कांग्रेस हम चेहरा अभी देंगे नहीं, चेहरा डिसाइड करेंगे चुनाव के बाद, इस तरह का माहौल एक बनाया जा रहा है। नुकसान उठाना पड़ सकता है पार्टी को, क्योंकि एक चेहरा जब पार्टी के पास होता है तो आपका एक विजन सामने आ जाता है कि आप क्या लेकर चुनावों में उतर रहे हैं, जनता को क्या और किस तरह के वादे या भरोसा देके आप आगे बढ़ेंगे प्रदेश में। नुकसान उठाना पड़ सकता है कांग्रेस को, क्योंकि आने वाला दौर मुश्किल होने वाला है कांग्रेस के, भाजपा के लिए भी मुश्किल होने वाला है, तो इसलिए भरोसा एक तो कार्यकर्ताओं को भी दिलाना पड़ेगा। चेहरा होने का मतलब है कि आप कार्यकर्ताओं को भी भरोसा दे रहे हैं कि पार्टी या प्रदेश के कार्यकर्ता इस चेहरे के साथ आगे बढ़ रहे हैं। वो परिस्थितियां अभी पैदा हो नहीं रही है। दिक्कत ये हो रही है कि जब एक चेहरा नहीं है तो पार्टी में एक डिसिप्लिन होता नहीं है। अलग अलग तरीके से अलग अलग हर जो नेता है वो अपने आप को एक चेहरा मान के आगे चलता है। ये कांग्रेस की दिल्ली दौड़ तो नेताओं की तभी तो लगी है। वो ये बताना चाह रहे हैं कि हमारे साथ पूरी पार्टी है, इसीलिए ये प्रदर्शन, इसीलिए चेहरा बहुत जरूरी है। चेहरा होगा तो पार्टी में एक रूपता रहेगी, एक समानता भी रहेगी और कार्यकर्ताओं को भरोसा रहेगा, विश्वास रहेगा, वो आसानी के साथ फील्ड में काम कर सकते।
सकते हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने, चेहरे। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि कांग्रेस ने कुछ प्रदेशों में प्रयोग किए हैं जी बिना चेहरे के। पंजाब में जो हुआ, बिल्कुल चन्नी साहब का जो मास्टर शॉट मारा है, बिल्कुल पूरे देश को घुमा रखा है ना। बिल्कुल बिल्कुल जो हुआ है प्रधानमंत्री के टूर को, चन्नी साहब तो लीड ले गए हैं, मतलब आम आदमी पार्टी किसी को पता नहीं लग रहा है, भाजपा को पता लग रहा है, कांग्रेस को पता, कांग्रेस ही कांग्रेस है वहां पे, और उसमें भी चन्नी आ गए हैं। बिल्कुल सवाल तो ये उठ रहा है कि हिमाचल में कांग्रेस का चन्नी कौन है, है ना। बिल्कुल, बिल्कुल ये भी एक सवाल है, शायद चर्चा में थे आजकल में वो, हम चर्चा भी कर रहे हैं, वो चन्नी हो सकते हैं क्योंकि चुपके से मुस्कुराते हुए चर्चा ही खेल देने, चर्चा ही इसलिए कि हिमाचल में हम आगे चर्चा करेंगे कभी अपने कार्यक्रम में, हिमाचल कांग्रेस में चन्नी कौन है जो मतलब बिना चर्चा में रहे बस अपने पत्ते खेल जाए और आगे निकल जाए। राजेश, अच्छा अब एक आपसे क्लोजिंग स्टेटमेंट, ज्यादा वक्त ले लिया हमने, कांग्रेस अति उत्साह में तो नहीं है हिमाचल में? देखिए अभी अभी तो ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं पार्टी इस उत्साह में है कि जिस तरह से हमने उपचुनाव जीता है उसी तरह हम विधानसभा के चुनाव भी जीत जाएंगे जो 2022 दिसंबर से पहले पहले होंगे। लेकिन परिस्थितियां को अगर हम देखते हैं तो परिस्थितियों को भूलना नहीं होगा कि विधानसभा चुनावों की जो एक ग्राउंड होगा या जमीनी हकीकत जो होगी वो उपचुनाव से कहीं कहीं बिल्कुल इतर होगी, बिल्कुल जे, अलग होगी। उस तरह की परिस्थितियां, उस तरह का माहौल, उस तरह का जोश, ये क्योंकि बहुत बड़ी एक अग्नि परीक्षा होने वाली है, कांग्रेस की नहीं होने वाली है, ये भाजपा की अग्नि परीक्षा भी बहुत ज्यादा होने वाली है कि आपने 5 साल जो किया है उसके परिणाम का वक्त आप सामने आ रहा है। बिल्कुल सही राजेश, आपने बहुत बढ़िया बात कही। हाँ एक लास्ट में मैं भी बात कहना चाहूंगा, क्या हो अगर उपचुनाव की तरह ही जो पिछले उपचुनाव हुए कांग्रेस एक बार किसी ढके चेहरे के साथ श्रद्धांजलि मांग ले स्वर्गीय वीरभद्र सिंह के लिए जी, तो क्या होगा? ये भी इंटरेस्टिंग होगा देखने। बिल्कुल, बिल्कुल।